अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका अपना अब्दुल सत्तार और आज बिल्कुल न्यू खबर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, आज मुख्तलिफ चैनल्स पर खबर चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर लोग शेयर कर रहे हैं कि पंजाब में जो तलीमी इदारे हैं वो 2 हफ्ते के लिए और बंद रहेंगे क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, इन बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में भी सैलाब आया हुआ है और हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब में कई सरकारी स्कूल दरियाओं के किनारे और देहातों में होते हैं क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अभी तक स्कूलों में पानी ठहरा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, जो भी ये न्यूज़ चल रही है कि छुट्टियां 2 हफ्ते बढ़ा दी गई हैं, ये सब फेक है, ये झूठ पर मबनी है। अभी तक पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है क्योंकि आपको पता है कल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बने हैं और उसकी कैबिनेट ने आज हलफ लेना था, इस वजह से अभी तक छुट्टियों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। आप मुतमैन रहें, स्कूल यकम को ही खोल जाएँगे। नाज़रीन ग्रामी, हम भी यही दुआ करते हैं कि स्कूल यकम को खोल जाएँ ताकि बाकायदा स्टडी शुरू की जा सके। नाज़रीन आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द न्यू खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।